से जो है वो हमारी कोशिश है कि खासतौर पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टीज भी ये चाहती हैं सारी के जमहूरियत जो है वो ट्रैक पे रहे, तो उसमें एक सिस्टम में स्टेबिलिटी आ रही है। और सिंध में खासतौर पर जहां पर अगर आप देखें कि माजी में बेशक हेल्थ और एजुकेशन की प्रॉब्लम्स रही हैं सिंध में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में रही है, क्योंकि मैंने फेडरल में भी पहले जो है वो मैं रही नेशनल असेंबली में और तमाम पंजाब के सूबे को और दूसरे सूबों को भी हमने देखा, तो बहुत बुरा हाल था। और उसी तरह से सिंध में भी क्योंकि सारी जगह ही मुतासिर हुए हैं ये एजुकेशन के और हेल्थ के इश्यूज, तो उसमें उसको देखते हुए बिल्कुल सिंध हुकूमत ने बहुत सारी चीजों में अभी जो है इम्प्रूवमेंट आई है। हॉस्पिटल्स जो है वो अगर आप देखें कि खैरपुर का अगर आप देखें वहां पर जो है वो ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है, अभी जैकबाबाद में बनने जा रहा है। एनआईसीवीडी जो है वो खासतौर पर लाड़काना में अभी बन रहा है, तो ये इस पे काम कर रही है सिंध हुकूमत अपनी जगह हेल्थ के इश्यूज के ऊपर और हॉस्पिटल्स के ऊपर। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो कैंसर जैसी मुझी बीमारी है उसके जो है वो सेंटर्स हमें तमाम जो खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट में और डिविजन में होने चाहिए, उस पर खासतौर पर हमने जो है खुद भी मैंने उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। एक हैदराबाद में डायग्नोस्टिक कैंसर सेंटर जो पीक्यूएफ जो परवीन पानी फाउंडेशन के हवाले से हम बना रहे हैं वो हमारा कंस्ट्रक्ट हो चुका है और इंशाल्लाह विद इन जो है 4 मंथ्स जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। और इसी हवाले से 200 बेड्स का जो है वो हॉस्पिटल हम मिरपुर खास में भी बना। बड़ी अच्छी बात है रुबीना, लेकिन लेकिन के हवाले लेकिन सवाल ये है कि जो एग्जिस्टिंग आपके अस्पताल हैं डिस्पेंसरीज हैं या बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स हैं उन